गौतम अडानी एक ऐसा नाम है जो इस साल बिजनेस की दुनिया में सबसे ज्यादा सुनने को मिला है, कभी विवादों में फंसे रहने से तो कभी अपने किए सौदों से। साल 2024 आने में ज्यादा समय नहीं बचा है और इस साल के खत्म होते होते भी ये चर्चा में है। अडानी ग्रुप आने वाले टाइम में ग्रीन एनर्जी पर फोकस करने के एम से बड़े लेवल पर प्लांटेशन करने वाले हैं और इसके लिए भारी भरकम निवेश करने की तैयारी में है। हाल ही में अडानी ग्रुप ने एक बयान में बताया कि ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को हासिल करने के लिए अगले एक दशक यानी कि 10 सालों में $100 बिलियन के करीब की भारी भरकम निवेश करने का प्लान है। इसके अलावा ग्रुप की तैयारी साल 2030 तक 10 करोड़ तक पौधे लगाने की भी है। वहीं ये बयान ऐसे टाइम पर आया जब ग्रुप की 5 कंपनियां पहले से ही नेट जीरो का टारगेट सेट कर चुकी हैं और ये कंपनियां हैं अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ACCN अंबुजा सीमेंट, जिसने साल 2050 तक और उससे पहले नेट जीरो बनाने का लक्ष्य तय किया है। भाई आपको बता दें कि नेट जीरो होने का मतलब है कार्बन एमिशन के मामले में न्यूट्रल होना। इसके लिए एक तरफ कार्बन एमिशन को कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाया जाता है, दूसरी ओर डी कार्बनाइजेशन मेजर्स जैसे प्लांटेशन पर ध्यान दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि अडानी ग्रुप गुजरात के कच्छ डेजर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क भी बना रहा है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रीन एनर्जी पार्क 726 स्क्वायर किलोमीटर में बन रहा है। वहीं आपको बता दें कि गौतम अडानी ने तस्वीरों के साथ बताया था कि उनके ग्रुप का ग्रीन एनर्जी पार्क इतना बड़ा होगा कि स्पेस से भी दिखेगा। इस पार्क में 30 गीगावाट बिजली तैयार होगी जिससे 2 करोड़ से ज्यादा घरों को रोशनी मिलेगी। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।